लड़की के पीछे एक टेल है जो बहुत ही इरिटेटिंग है। वो कैंची उठाती है और उसे काटने लगती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं, वो इसे नहीं कर पाती। फिर वो कॉलेज जाती है जहाँ दूसरी लड़की उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो फिर रुक कर उस मजाक उड़ाने वाली लड़की को घूरती है, जिसके बाद उसके हाथ जलने लगते हैं। शायद उसके पास इस टेल की वजह से कोई सुपर पावर है। अब गेम खेलते टाइम कुछ और लड़कियां उसे तंग करती हैं, वो उसे बॉल से मार रही होती हैं। तभी वो उठती है और वो फिर एक लड़की की तरफ घूरी डालती है, जिसके बाद उस लड़की के नाक मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वो ये देखकर एंजॉय करती है। फिर उसी दिन उस लड़की का क्रश उसे रात को डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ पर दूसरी लड़कियां भी आई होती हैं। एना यहाँ पर भी दूसरी लड़कियों को सबक सिखाती है, लेकिन जल्द ही उस पर ये पर्दाफाश हो जाता है कि ये लड़का भी उन्हीं लड़कियों का भेजा हुआ था, जिसकी वजह से वो जैसे ही एना के करीब आता है तो वो जान की बाजी हार जाता है। अब ये सुपर पावर की वजह से एक मर्डर हो चुका है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।